University of Roehampton. The University of Roehampton, formerly Roehampton Institute of Higher Education, is a public university in the UK. It was established in 2004. The University of Roehampton is ranked 801 in the World University Ranking by the Times Higher Education. Roehampton University is ranked 1577, the best global university. Roehampton has ranked 6 best UK universities in 2021. Student Crown University Awards also they win. The university acceptance rate is around 45% only. बात करते हैं इसकी इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में. इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट किया है विथ 70% मार्क्स और हायर यू आर एलिजिबल. कोई आपको फाउंडेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट स्टूडेंट वाले जा सकते हैं. ए लेवल की अगर बात करूँ तो डबल ए बी से लेकर ट्रिपल बी वाले एलिजिबल हैं. इंटरनेशनल बार्कलेट की बात करें आई बी में 26-30 पॉइंट होना बहुत जरूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करूँ तो 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो यू आर एलिजिबल. फॉर एम बी ए आपके पास 59-65% मार्क्स और अबव होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा 2+2 डिग्री भी बैचलर्स और मास्टर्स और इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एट दिस यूनिवर्सिटी. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो 6.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 इन एनी सेक्शन इज रिक्वायर्ड. टॉफिल ओवरऑल 80 विद मिनिमम 17 इन लिसनिंग. राइटिंग 18, रीडिंग एंड स्पीकिंग बोथ 20 रिक्वायर्ड है. अंडर ग्रेड के बाद पोस्ट ग्रेड में जो आईएलटीएस रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 5.5 इन ई सेक्शन. टॉफिल 89 विद मिनिमम 17 इन लिसनिंग. राइटिंग में 18, रीडिंग एंड स्पीकिंग बोथ 20 रिक्वायर्ड है. ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो ट्यूशन फीस में आर्ट्स की डिग्री है वो 13,650 पाउंड से लेकर 14,441 तक मिलती है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम. बैचलर्स ऑफ बिजनेस डिग्री की अगर बात करें तो 14,197 पाउंड्स पर एनम पर है. इंजीनियरिंग की डिग्री 14,650 पाउंड्स में है. एजुकेशन 13,828 से लेकर 14,000 पाउंड्स के इन बिटवीन है. हेल्थ साइंसेस 17,295 में मिल जाता है आपको. लॉ की अगर बात करें तो 14,269. नर्सिंग आपके पास जो है वो 14,594 में है. साइकोलॉजी 14,167. साइंसेस की डिग्री भी 14,747 पाउंड्स पर एनम पर है. ये थे अंडर ग्रेड. पोस्ट ग्रेड में अगर आज की डिग्री की बात करें तो 14,460 पाउंड से लेकर 16,6260 पाउंड्स पर एनम पर है. बिजनेस की डिग्री आपको पोस्ट ग्रेड पे 15,850 पाउंड्स में मिलती हैं. एजुकेशन 14,950 पाउंड्स में है. लॉ 14,850 पाउंड्स में है. साइंसेस की जो डिग्री है वो 15,750 से स्टार्ट होकर 15,850 पाउंड्स पर एनम पर आती हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15,850 पाउंड्स में है. डेटा साइंस 15,850. एमबीए 16,850 पाउंड्स में है. और साइकोलॉजी 16,000 पाउंड्स पर एनम पर मिलता है. स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो ये ऑफर करते हैं इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप. ये आप समझें कि इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो अराउंड 4,000 पाउंड्स पर एनम का है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स सारे एलिजिबल हैं. पोस्ट ग्रेड वाले को आप अंडर ग्रेड वाले को समझेंगे आपको 3 साल का स्कॉलरशिप अवार्ड मिलता है अगर आपका जो है अवार्ड आपका डिग्री प्रोग्राम होता है. अच्छा अब इसमें जो इस तरीके से है कि इसमें उन्होंने अवार्ड वैल्यू बनाए हुए. मैंने कहा कि 4,000 तक का अंडर ग्रेड वालों के लिए जो मल्टीप्लाई में 3 तो 12,000 हो जाता है. अच्छा सेकेंड स्कॉलरशिप है वो 2,500 का है और थर्ड जो स्कॉलरशिप है वो 1,000 पाउंड तक का है. मास्टर्स के लिए जो है वो उन्होंने सेम 4,000 पाउंड्स का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट का रखा हुआ है जो 4,000 पाउंड्स का है 1 ईयर का. सेकेंड ईयर वाले के लिए 2,500 है और 1,000 पाउंड्स भी है. डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेड्स एंड के कितने आपके ग्रेड्स हैं तो आपको ये मिल जाती है. सेकेंड जो स्कॉलरशिप इनके पास दिस इज कॉल्ड ई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. इसका भी जो वर्थ है वो 1,500 पाउंड्स तक का है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ये स्पोर्ट्स वालों के लिए है कि जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है यूनिवर्सिटी ने एक अवार्ड रखा है. या आप मेरी वेबसाइट पर जाएँ studyabroadupdates.com वहाँ पर मैंने इनकी तमाम से डिटेल्स मैंशन की हुई हैं. थर्ड जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड रोहैम्प्टन म्यूजिक स्कॉलरशिप. उससे आइडिया और अगर नाम से कि म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली है. ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इस पर मैंने इसकी तमाम तरह डिटेल्स मेंशन कर दी हैं हाउ यू कैन अवेल दिस 1500 स्कॉलरशिप इन द म्यूजिक प्रोग्राम. फोर्थ जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड एलुमनाई रेफरल स्कॉलरशिप. तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एलुमनाई स्कॉलरशिप मिलती है. ये एलुमनाई रेफरल स्कॉलरशिप अगर कोई आपके पास पोस्ट ग्रेड पे अंडर ग्रेड पे कोई स्टूडेंट्स ने दूसरे ने अगर आपको रेफर किया है कि वो वहाँ का ग्रेजुएट है एंड देन रेफर कि मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ और मैंने किसी अपने बहन भाई दोस्त को रेफर किया तो आपको ये अवार्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है. तो ये आप समझें कि ये काइंड ऑफ एक यूनिक है जो 20% तक की आपकी ट्यूशन फीस को ऑफ कर देता है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ये टॉट प्रोग्राम होना चाहिए. इसकी तमाम तरह डिटेल्स मैंने अपनी वेबसाइट studyabroadupdates.com में मिल जाती है. तो रेफरल के लिए आपको बस एक स्टूडेंट ही ढूंढना है जो आपको बड़े इजीली रेफरल देके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं. फोर्थ जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड स्कॉलरशिप ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंसी.
एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये बेसिकली डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के जो हैं ऑल लेवल्स के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ये स्पोर्ट्स में जो भी अच्छे कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो आप समझेंगे इसमें 500 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक पर ईयर तक आपको बेसिकली आपको लीनियंसी या रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी।